गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर चैनल CVET बाय सुपरग्रैज। मेरा नाम है शिखा जैन और आज की इस वीडियो में आपको किसी नई अपडेट के बारे में नहीं बताने वाली, किसी CVET रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाली, किसी कोर्स या कॉलेज या कोई नया इमर्जिंग करियर ऑप्शन के बारे में मैं नहीं बताने वाली। आज की वीडियो में मैं आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली ही एक बहुत ही प्यारी इनिशिएटिव ली है, एक नया अपडेट लिया है, एक नया इंट्रोडक्शन लिया है किसी चीज में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे जाने के लिए। उसी के बारे में मैं आपको आज कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। जो भी बच्चे हैं जो इस वक्त बोर्ड और CVET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने CVET एग्जाम के फॉर्म्स भर दिए हैं 2023 के लिए और जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। बहुत खुश होने वाले हैं वो इस चीज को सुनकर। प्लस ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक फॉर्म्स नहीं भरे हैं, जिनके माइंड में सेल्फ डाउट है थोड़ा बहुत कि क्या उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को प्रेफरेंस में भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस अपडेट को सुन लोगे तो आपके माइंड से सारे डाउट्स निकल जाएंगे, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से कॉलेजेस है और क्यों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को अभी भी भरना चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल खोल के रखा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है कि करियर डेवलपमेंट सेंटर्स एट 20 दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस टू एनकरेज स्टार्टअप कल्चर। अब ये तो आपकी हेडिंग हो गई, इसका मतलब क्या होता है, चलिए आर्टिकल को पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं और क्यों ये अपडेट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए जो CVET के लिए अपियर होने वाले हैं, क्यों आपके लिए ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करियर डेवलपमेंट सेंटर्स इस्टैब्लिश होने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेजेस में। तो ये कौन से 20 कॉलेजेस है इन पे मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी, पर पहले ये डिस्कस करते हैं कि करियर डेवलपमेंट सेंटर्स होते क्या है और क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये एक्सपेरिमेंट। तो करियर डेवलपमेंट सेंटर्स आप देख सकते हो एनकरेज स्किलिंग एंड स्टार्टअप कल्चर अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी बच्चे हैं जो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे 20 कॉलेजेस हैं जहां पर ये सेंटर्स इस्टैब्लिश किए जाएंगे, तो इन बच्चों को स्किल सेट के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी। आप मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो, तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रेलिवेंट कौन से स्किल्स हैं जो आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करेंगे, इस तरह की प्लेसमेंट्स कि आपका जो जॉब ऑफर है आपको किसी टॉप MNC की कंपनी में दिया जाए, इस तरह की स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी अपार्ट फ्रॉम द कोर्स आप जिसमें पढ़ाई एक्चुअली में कर रहे हो। तो कोर्स की पढ़ाई तो पढ़ाई ही हो गई, प्लस आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी इन करियर डेवलपमेंट सेंटर्स में। अब एक इवेंट हुआ था दिल्ली में जहां पे बहुत सारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स आए थे, जैसे Naukri.com के VC आए थे, डिलीवरी कंपनी के भी co-founder आए थे और काफी सारे co-founders आए थे, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स आए थे इस इवेंट में DU में। तो उन्होंने इस इवेंट को एड्रेस किया था जहां पर उन्होंने बताया कि इस सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट करी जाएगी फर्स्ट फेज में। अब देखते हैं कि ये जो आपके करियर डेवलपमेंट सेंटर्स है एग्जैक्टली आपको कैसे हेल्प करने वाले। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दीज सेंटर्स विल गाइड द स्टूडेंट्स, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। अब एक चीज तो ये हो गई कि आपको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करी जाएगी ताकि आपकी प्लेसमेंट्स में आपकी हेल्प हो सके, पर दूसरी चीज ये हो गई कि जो भी बच्चे हैं जो अपने माइंड में लेके बैठे हैं कि उनके ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद वो कोई सी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से स्टार्टअप्स में हेल्प चाहिए होगी, क्या नॉलेज उनको पहले से पता होना चाहिए और स्टार्टअप्स को एक्चुअली शुरुआत कैसे की जाती है, बनाया कैसे जाता है, आपका पहला कदम क्या होता है इन स्टार्टअप्स के लिए, उन पर आपको पूरी नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप, आप जब कोई कंपनी चालू करते हो तो वो किन किन स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ती है, किस किस स्टेजेस में आपकी स्टार्टअप रहती है और उसकी रेलेवेंसी क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। फंडिंग, स्टार्टअप्स के लिए आपको फंडिंग कहाँ से एक्वायर करनी है और कौन से सोर्सेज होते हैं जहां से आप फंडिंग एक्वायर कर सकते हो, कितनी फंडिंग आपको चाहिए होगी, इसकी पूरी कैलकुलेशन और डीप नॉलेज आपको इन सेंटर्स के थ्रू बताई जाएगी। देन DU सपोर्ट इनोवेशन कल्चर, इनोवेशन कल्चर का मतलब क्या होता है एक बार समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स या इवन फैकल्टीज भी, आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई ऐसा डिजाइन है जिसको आप प्रोडक्ट में बनाकर बेच सकते हो, बेसिकली अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको पता नहीं है कि
कैसे इस आइडिया को आप ऑन पेपर ट्रांजिट करो, कैसे आप इस आइडिया को एक्चुअलिटी में या रियलिटी में कन्वर्ट करो, तो आपकी जो आइडियाज है इनको कैसे आप बना सकते हो एक्चुअल में, इसमें पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप में आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आपके आइडियाज को आप प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये पूरी चीजें आपको इसी करियर डेवलपमेंट सेंटर्स में सिखाई जाएंगी। तो दो चीजें हो गई अभी तक, पहले तो आपकी स्किल डेवलपमेंट में आपको हेल्प की जाएगी, जो भी जिस भी इंडस्ट्री में जो भी कोर्स आपने लिया है उस इंडस्ट्री के लिए जो आपके सबसे ज्यादा डिमांडेबल स्किल्स हैं, जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जिनके थ्रू आपकी हायरिंग बहुत ही टॉप की कंपनीज में हो सकती है, स्किल डेवलपमेंट में आपको हेल्प करा जाएगा। देन सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स के बारे में आपको पूरी ए टू जेड नॉलेज दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह क्या बोलना चाहते हैं उसको देखते हैं। दीस करियर डेवलपमेंट सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट फेज इन 20 कॉलेजेस ऑफ डीयू। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बताई स्टार्टिंग में कि पहले ये फर्स्ट फेज में लॉन्च किया जाएगा 20 डीयू के कॉलेजेस में। इसके बाद दी सेंटर्स विल प्ले अ की रोल इन क्रिएटिंग कल्चर एंड अपॉर्चुनिटीज इन द अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क ऑल्सो। यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, आपके प्रोविजंस ऑफ स्किल इंटर्नशिप्स, यानी कि जो भी स्किल्स आपके इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट होंगे, आपके प्लेसमेंट्स के लिए रेलेवेंट होंगे, इन पे बेस आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, यानी कि जैसे ही आपकी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, कितना आपने इन इंटर्नशिप्स के थ्रू आपने स्किल्स सीखे हैं और कौन से स्किल्स आपको बचे हैं सीखने को, वो लाइव प्रोजेक्ट्स में, यानी कि एक्चुअल प्रोजेक्ट में, एक्चुअल वर्क में आपको पता पड़ेगा कि कितना आप सीख पाए हो और क्या क्या जगह पे आप लैकिंग हो, आपको उसके थ्रू ये पता पड़ेगा प्रोजेक्ट्स के थ्रू। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, आपके माइंड में एक फुटपाथ है, एक आपका रोड मैप है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो बिजनेस के फील्ड में, बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है आपको उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, क्या क्या चीजें उसके लिए आपको चाहिए होंगी, इन सेंटर्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कौन से ऐसे 20 कॉलेजेस हैं जिसमें ये फर्स्ट फेज में लॉन्च किया जाएगा। अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपका पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो सेकेंड फेज भी आ सकता है, जिसमें काफी सारे दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में सेम करियर डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा आपकी स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज, दौलतराम, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। और आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का इस आर्टिकल को खोल सकते हो। आपको बस केवल ये लिखना है करियर डेवलपमेंट सेंटर्स एट 20 डीयू कॉलेजेस और आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि आर्टिकल में ए टू जेड क्या लिखा है, जो कि वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ बट स्टिल फॉर योर नॉलेज। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेजेस हैं। लास्टली अगर आप देखेंगे तो एंड करते हो अपन देखते हैं कि किरोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर दिनेश खट्टर ने क्या बताया है। उन्होंने ये कहा है कि दीज 20 कॉलेजेस विल नाउ एस्टैब्लिश द सेंटर विद टॉप एंटरप्रेन्योर्स विल एक्ट एज देयर मेंटर्स। यानी कि स्किल डेवलपमेंट के अलावा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के नॉलेज और ट्रेनिंग के अलावा, जो हमारे कंट्री के टॉप एंटरप्रेन्योर्स है इस वक्त, वो स्टूडेंट्स को वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, वन ऑन वन गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक बार सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। जो भी बच्चे हैं जो यहाँ पे डीयू कॉलेज में पढ़ने वाले, स्पेशली इन 20 कॉलेजेस में जो अभी इसी साल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले, उनके लिए कितनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। जब भी आप कोई सोचते हो, पहले तो हमको कोर्स डिसाइड करना होता है, कॉलेजेस डिसाइड करने होते हैं, काफी सारे डिसीजंस होते हैं बिफोर वी इवन स्टार्ट स्टडीइंग इन अ कॉलेज। अब आप सोचिए कि जब आपको करियर के लिए ग्राउंड जीरो से ही, लेवल जीरो से ही आपको टॉप एंटरप्रेन्योर्स हमारे कंट्री के ट्रेन कर रहे हैं, प्लस आपको पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके हाथों में आपके कॉलेज में प्रोवाइड करी जा रही है, नॉट ओनली फॉर प्लेसमेंट्स बट ऑल्सो जब आप अपना कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको कितनी हेल्प मिल सकती है और कितने सही डायरेक्शन में आप शुरुआत से ही स्टार्ट कर सकते हो, एक बार सोच के देखिए। सो दिस वाज द अपडेट, दिस वाज द ओनली अपडेट व्हिच आई हैड टू गिव यू। अभी जो सेकंड फेज है उसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड कि जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि दूसरे कौन से कॉलेजेस होने वाले हैं, कौन सा सेकेंड फेज है, कौन से टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यहाँ पे वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, इसके बारे में हम ही आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द कॉन्टेंट, इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशनल, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।